हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड ट्रेवल फिल्म। और आज बेसिकली अचानक से अपन निकले हैं डचेस फॉल के लिए। मेरे आगे पीछे आपको घनघोर जंगल दिखाई दे रहा होगा। तो आज अपन बेसिकली जाएंगे डचेस फॉल पचमढ़ी। एक अमेजिंग वाटरफॉल है, झरना है, और अपने साथ दो तीन लोग हैं जो कि सामने चल रहे हैं मेरे। और सबसे पहली बात, लॉकडाउन और इस कोविड 2019 में पचमढ़ी में बहुत सारे चेंजेस और बदलाव हुई है, वो मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। डचेस फॉल में टिकट लगती है, आपको विदाउट टिकट नहीं घुसने देंगे। और इस बार गाड़ी सैनिटाइज का 50 रुपये किराया, और अगर आप बाइक से आते हो तो 200 रुपये की टिकट आपकी 3-4 लोकेशन की बन जाएगी। यहाँ पर एसटीआर बफर, सतपुड़ा, टाइगर रिजर्व, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश, और नेचुरल हेरिटेज साइट। ऐसे देखो, ऐसे पेड़ गिरे हैं बड़े बड़े। और डचेस फॉल, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले आपको जाना है बाइसन लॉज। कुछ लोकेशन ऐसी है जहाँ टिकट नहीं लगती है, सीधा पचमढ़ी आए और अपनी लोकेशन पर चले गए। अगर आप यहाँ पर सफारी से आते हो, टैक्सी से या जिप्सी से आते हो, तो वो उनका पूरा भाड़ा अलग है, 2-4-10 लोगों का, 500, 1000, 1500, वो डिपेंड करता है कितनी सवारी है आपकी, ठीक है, वो उसका प्रॉब्लम है। फिर जो वन विभाग सतपुड़ा की गाड़ी है, वो खुद घुमाएगी आपको, वही टिकट निकालेगा, वही सैनिटाइज कराएगा। लेकिन एक्चुअल क्या बोल रहा था मैं, कि अभी कोविड 2019 में कुछ पचमढ़ी पूरा ही खोल दिया है, संडे सैटरडे छोड़ के। ध्यान रखें, जब भी संडे सैटरडे मार्केट बंद रहता है तो पॉइंट में घूम तो सकते हैं, लेकिन कुछ जो टिकट वाली जगह है वो बंद रहेगी। समझ गए आप मेरी बात, समझ गए होगे। संडे सैटरडे हर मार्केट लॉकडाउन रहता है, तो यहाँ जो जहाँ जहाँ टिकट लगती है वो पॉइंट बंद रहेगी। घूम तो सकते हैं, फिर जैसे कि हांडीखो, इसके पहले हांडीखो की फिल्म मैंने रिलीज़ की, आपने देखा होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। उसके बाद अपन इस कवर कर रहे हैं इसको। डचेस फॉल की डिमांड थी भाई साहब, कई सारे सब्सक्राइबर लोग बोले। तो पचमढ़ी आने के बाद लगभग 7-8 किलोमीटर डचेस फॉल का पहला गेट, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ या सिनेमेटिक में देख लिया होगा आपने, और उसके बाद 4 किलोमीटर इधर आपको पैदल चलना है इस घनघोर जंगल में। इधर जानवरों का उतना खतरा तो नहीं है, लेकिन शाम के टाइम खतरा है जानवरों का इधर, इसलिए 3 बजे के बाद ये पॉइंट को बंद कर दिया जाता है। इस पॉइंट को भी नहीं, बी फॉल, डचेस फॉल, रम्या कुंड, इधर धूपगढ़, ये जो मैं बता रहा हूँ ये इसी रोड पर है, इसी लाइन पर है, जो कि 200 रुपये की टिकट बन जाएगी आपकी, और आप बाइक से घूम सकते हो। अगर कार है आपके पास तो आपकी कार अलाउड नहीं रहेगी, एसटीआर सतपुड़ा की जो गाड़ी होती है यहाँ पर, जिप्सी सफारी, वो लेना पड़ेगा। इनके बारे में मैंने एक सेपरेट टेक्निकल वीडियो बनाया कि कैसे बुकिंग करें, कैसा क्या करें, इधर आई बटन में मैं दे दूँगा या वीडियो के नीचे, तो देखना ज़रूर आप लोग। और क्योंकि ये 4 किलोमीटर डचेस फॉल्स के मेन गेट से, जहाँ टिकट आपको दिखाना पड़ेगा, 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते पैदल चलना, तो आपको फिर वो सफारी से आना पड़ेगा। आप बोलोगे बाइक अलाउड इसलिए नहीं है, तो ताकि खतरा है, गाड़ी फिसल जाती है, गड्ढा है उधर, अभी देखना मैं दिखाऊंगा, खतरा है थोड़ा सा इसलिए। वो देखो, भैंस गाय सब है इधर, अपने साथ जो लोग हैं वो आगे चले गए स्पीड से। अब मैं इनका शूट करते करते आता हूँ, आप लोग चलो। एक भैंस सामने भी है भाई साहब, इधर देखो, व्हाट अ लुक मैन, इतना है कि क्या बताओ आपको। ओके गाइस, तो भैंस आ गई थी यार बीच में यार। क्यों भैंस आ गई थी, वो देखो इधर की भैंसें भी, ये जंगली भैंसें तो नहीं है, लेकिन ऐसी खुली चढ़ती है इधर। व्हाट अ लुक मैन, देखो अमेजिंग, पूरा जंगल देखो, स्वर्ग की तमाम सजाए। तो जैसे कि गाइस मैं बता रहा था, ये बहुत काम की जानकारी है। अभी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी, हम पैदल तो शूट के लिए जा रहे हैं, नहीं तो
लेकिन आप पब्लिक की गाड़ी इधर अलाउड नहीं रहेगी, ध्यान रखना। जो ऑफिशियल है, जो ड्यूटी वाले हैं, उन वही आते हैं इधर, है ना? आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब मेरे ख्याल से पैदल का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, पैदल ही आओ। अगर आप बाइक से आए, आपका पैसा खूब बचेगा, क्योंकि यार लगता ही है टिकट का तो बोल नहीं सकते। अगर टैक्सी ले लोगे आप तो बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। वो टैक्सी फिर जो डचेस फॉल का सेकेंड गेट है वहाँ तक जाएगी, ये वाला एरिया। और यहाँ भी ऐसा नहीं सिंगल अकेला आदमी सेफ नहीं है, आपको 2-4-10 लोग थोड़ा आओ इधर, ये भी वही जंगल है। उधर छोटा महादेव कुछ दिन बाद आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ जानवरों का खतरा है, इसलिए 2-4-10 लोग चाहिए अपने को, इसलिए इतना घनघोर जंगल है। तो मैंने आपको बताया कि 200 रुपये टिकट, 50 रुपये सैनिटाइज का ले रहे हैं ये लोग अभी कोविड-19 में। ओके गाइस, तो कुछ दिन पहले नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2020 का अपन ने स्पेशल सीरीज रिलीज कर दी है, आप लोग देखना जरूर सभी पार्ट। 4 पार्ट तक ही गया है, क्योंकि इस साल की सिचुएशन जैसे कि आपने देखा होगा तो पता ही है आपको कि नागद्वारी यात्रा 4 पार्ट तक ही गई थी अपनी। बाकी लोकेशन कुछ कंडीशन ऐसी थी वहाँ कि छोड़ दी थी अपन ने। और ये डचेस फॉल भी MP टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म MPT की सबसे बढ़िया पॉपुलर लोकेशन है। ये एक टाइप की जो वाटरफॉल्स है, बी फॉल है, एक सिल्वर फॉल है, एक रम्या कुंड है, और ये जो अभी अपन जा रहे हैं जिसका नाम है डचेस फॉल। बड़ा अजीब लग रहा ना, इसका भी जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, जेम्स फॉरेस्टर्स ने खोज की थी इस लोकेशन की भी, जहाँ तक के अपना एनालिटिक का जो डेटा कहता है, क्योंकि नाम से ही आपको याद है, नाम कैसा, डचेस फॉल। और एक जो टॉयनम पुल है, सर जे हेनरी टॉयनम और सर जेम्स फॉरेस्टर्स, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पचमढ़ी में बहुत योगदान रहा है इनका। रोड ऐसा ही है ना, इधर टैक्सी आती है, अगर आप पैदल नहीं चलना चाहो तो टैक्सी ले सकते हो आप लोग। तो ये कहानी थी डचेस फॉल की, पचमढ़ी बस स्टैंड से डचेस फॉल टोटल अगर काउंट करें तो मेरा मानना है 12 से 15 किलोमीटर की चढ़ाई है भाई साहब, ठीक है। 4-5 किलोमीटर इधर जंगल में पैदल चलना पड़ेगा इस फॉल के लिए, लेकिन अमेजिंग, घूमने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। टिकट का मैंने बता दिया आपको, हर जगह पचमढ़ी में टिकट लगती है। सबसे पहला काम पचमढ़ी आने के बाद सीधा चले जाओ बाइसन लॉज। बाइसन लॉज का मतलब होता है एक टाइप का सरकारी लॉज है, या सतपुड़ा का ऑफिस है वन विभाग का, जो कि पूरा हैंडल करते हैं। पहले नहीं लगती थी टिकट विकट, कुछ कुछ लोकेशन पर लगती थी, अब यहाँ टिकट इसलिए लगती है क्योंकि STR के अंदर है, सतपुड़ा के अंदर है, जंगल यानी वन विभाग का एरिया है ना, तो इसको मेंटेन करने के लिए फलाना एंड इसलिए टिकट लगती है यहाँ पर। ऐसा है, सांस फूल रही है मेरी डचेस फॉल में। थोड़ा ज़्यादा लंबा भी ना हो वीडियो अपना, और ये ट्रेवल फेम कैसी लगी बताना, लाइक करे, शेयर करे। ओ भाई साहब, दौड़ो दौड़ो। तो ये था डचेस फॉल का, मैंने आपको जैसा कि बताया। अब देखते हैं आगे अपने को क्या क्या नया देखने को मिलता है। ये टिकट जो होती है आपकी 3-4 लोकेशन 5 लोकेशन पर काम कर जाएगी, चाहे वो अपने टैक्सी से हो, चाहे वो अपना इससे हो। अभी तो कोविड-19 चल रहा है, तो बंद चालू ही हो रहा है पचमढ़ी, कभी लॉकडाउन होता है, कभी खोल रहा है। लेकिन हाँ, अब आप लोकल भी आराम से घूम सकते हो, संडे सैटरडे छोड़ के, ठीक है? नहीं तो आप छुट्टियों के दिन में आ जाओगे, परेशान होंगे, फिर उतना खास चीज़ आपको घूमने को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से महादेव में टिकट नहीं लगती है, कई लोकेशन में टिकट नहीं लगती है, फिर आपको बाइसन लॉज जाने के टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आया, टैक्सी गाड़ी पकड़ी, सीधा अपनी लोकेशन घूमने चले गए। धूपगढ़ के एरिया में नहीं घुस सकते हो आप बिना टिकट के, जैसे हांडीखो में, उधर राजेंद्र गिरी में, और 2-3 खास में लोकेशन दिखाऊंगा, वहाँ टिकट नहीं लगती है। अब मैं आपको ऐसी लोकेशन दिखाते जाऊंगा, एक टिकट वाली, एक बिना टिकट वाली, एक टिकट वाली
ऐसी अपनी ट्रेवल फिल्म आप चलेगी ऐसा सोचा है मैंने, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही है। इस बारिश में शूट करना बहुत ही मचमच वाला काम है, क्योंकि डिवाइस, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है भाई साहब। तो कुछ ऐसी कहानी है डचेस फॉल की। आप देखते हैं फॉल कितना दूर है, कैसा मिलता है। बी फॉल का एक बी फॉल का भी बना है, तो आप ट्रेवल फिल्म देख सकते हैं, या एक नया वर्जन में ज़रूर निकालूंगा अगर आप देखना चाहो तो। छोटा महादेव की डिमांड आई थी, उसके लिए अभी अपना काम चल रहा है। छोटा महादेव में जानवर बहुत है, लेकिन माया इतनी मायावी लोकेशन है वो। महादेव के बड़े बड़े 12 शिवलिंग वहाँ दर्शन करने को मिलेगी, लेकिन उधर मैंने कहा कि जानवर ज़्यादा है, इसलिए वो लोकेशन को अभी COVID-19 में बंद ही कर दिया इन लोगों ने। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, आई होप इस मंथ या नेक्स्ट मंथ, क्योंकि वो बंद ही कर दिए, उधर एक प्रॉब्लम सी हो गई थी। तो अपनी टीम चली गई आगे, उनको अब मैं पकड़ता हूँ और फिर अपन करते हैं चालू। चेक इट आउट गाइस, ओके गाइस। तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है और मुझे लगता है आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी। ओ माय गॉड, ये देखो, जब डचेस फॉल अपन जाते हैं
तो वैसे छोटे छोटे वाटरफॉल बारिश में मिलेंगे आपको, ढेर सारे देखने को मिलेंगे। और अपन आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज बेसिकली काफ़ी सारे टूरिस्ट है और इस लोकेशन पर लिमिटेड टूरिस्ट है, यानी कि हाँ तो भयंकर तेज पानी आने लगा है यार। और दो चार दिन से बारिश अच्छी हो रही है पचमढ़ी में, तेज नहीं बट कंटिन्यू सावर वाली बारिश। और जैसे कि मैंने बताया 4 से 5 किलोमीटर डिस्टेंस अंदर इस जंगल में घुसना है अपने को, तो मुझे लगता है 3-3.5 किलोमीटर चल ली है अपन। अरे भाई साहब खूब पैदल चलना पड़ेगा अगर पैदल आओगे तो। लेकिन हाँ ये टैक्सी के लिए यानी कि जो जिप्सी होती है उसके लिए इन्होंने रोड बढ़िया बना दिया है। व्हाट अ लोकेशन। देखो अभी बारिश है तो बारिश में आपको भी उतना ही फील मैं कोशिश कर रहा हूँ कराने की जैसा दिख रहा है यहाँ पर। देखो ये देखो हर जगह छोटे छोटे आपको झरने देखने को मिलेंगे। ओ माय गॉड अमेजिंग। अब इतना अच्छा किया इन्होंने कि यहाँ टैक्सी आती है यानी कि जिप्सी, तो उससे आपका 4 किलोमीटर पैदल बच जाएगा। बाइक क्या ला नहीं सकते, बाइक अलाउड नहीं है इधर, तो आप जिप्सी ले सकते हैं भाई साहब। डचेस्ट फॉल झरना। और ये जो लाइन है ये धूपगढ़ की लाइन है, बेसिकली धूपगढ़ हो गया, डचेस फॉल हो गया, और ये अपना रीजगढ़ हो गया। ये दिख रहा है इधर से रीजगढ़ का स्पेशल ट्रेवल फिल्म बनाए, तो आई बटन में या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखे। और जिन भाई लोग ने चौरागढ़ महादेव यात्रा पचमढ़ी 2020 स्पेशल 2020 के 4 से 5 पार्ट बने हैं, तो चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी जो संपूर्ण यात्रा कहानी होती है कि कैसे शुरुआत हुई थी भैया महादेव की, तो व्हाट एवर यू वांट गाइस सब कुछ मिलेगा स्पेशल। वो बनिए तो ज़रूर देखे, उसमें डोमन सेस, भूरा भगत, उसके बाद अपने को पड़ता है मूर्खा, है ना, नंदीगढ़, कौन सा वाला, चौरागढ़ वाला नंदीगढ़ भयंकर कठिन है भाई साहब, भयंकर जान निकल जाती है चढ़ते चढ़ते। लेकिन वो यात्रा चालू होती है मार्च अप्रैल में, तो ऐसा कुछ है। चलो आ ही रहा है, ये जो पहाड़ी है ये दो पहाड़ी इसके बीच में है अपना डचेस फॉल। चलो अपन चलते आगे एंड चेक इट आउट। बात ऐसी है कि पानी तेज आ रहा है इसलिए ऐसे छोटे छोटे नालों से आपको निकलना पड़ेगा। एक वाला ये एक टनल अच्छा खतरनाक है जिसमें कि आपने देखा रास्ता अच्छे है, वैसे रास्ता के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। और मेरे ख्याल से अगर आप पैदल आते हो तो पैदल में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तेज बारिश हो रही है तो बारिश के पानी में हर छोटे छोटे नाले क्रॉस करके आना पड़ेगा आपको, तो वही नाला वाटरफॉल ले लिया जैसे पहाड़ी से पानी आ रहा है, व्हाट एवर। वो देखो व्हाट अ लुक मैन अमेजिंग। देखो वाव। तो ये है डचेस फॉल का रास्ता, अभी तो अपन पहुंचे नहीं है, चलो आते जाओ भाई। तो जैसे कि मैंने कहा आपको गाइस कि डचेस फॉल में ये जो रास्ता है अगर पैदल आते हो तो आपको और भी सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल ऑलरेडी है लेकिन ये आपको सिर्फ बारिश में देखने को धार खंगोर है
फवारे वाली बारिश हो रही है बेसिक। यहाँ पर कई सारी आपको खाने पीने की पौधे मिलेंगे, जड़ी मिलेगी। कुछ दिखता है तो मैं दिखाऊँ आपको, ज़्यादा अंदर घुसना सेफ नहीं है इस जंगल में। तो बस यहाँ तक टैक्सी आती है, टैक्सी ऊपर खड़ी हो जाएगी और यहाँ से आपको इतना भाग तो पैदल चलना पड़ेगा, है ना, जैसे कि आपको दिख रहा है शॉर्ट्स में। ओके गाइस, तो डेट इज फॉल आने वाला है, बड़ा ही अंदर। हाँ आओ सामने आ जाओ। ओके गाइस, तो धीरे धीरे अपन जा रहे हैं डच इट फॉल, बड़ा लंबा है ये, कठिन घाटी चढ़ना पड़ेगा। और जब डच इट फॉल आ जाता है तो आपको प्यारी सी ये सीढ़ियाँ मिलेगी देखने को। वाओ, चलो भाई। ओके गाइस, तो डचेस फॉल चलते चलते हालत ख़राब हो रही है, पैर दुखने लग गए यार। व्हाट अ लुक, अमेजिंग, क्या घनघोर जंगल है। लेकिन अकेले के बस का नहीं है, दो चार लोग आप जब भी आते हो तो यहाँ पर ज़रूर घूमने आए। देखो मैंने जैसे कि बताया, टैक्सी वाले भी ऊपर टैक्सी खड़ी कर देंगे, उसके बाद भी आपको बहुत चलना है। ये ऐसी सीढ़ियाँ बना दी है, पहले तो सीढ़ियाँ नहीं थी। ये देखो, ये देखो, पूरी भयंकर खाई है आसपास। और ये छोटी सी गए। तो गाइस अपन फाइनली डचेस फॉल पहुंच चुके हैं, पचमढ़ी डचेस फॉल, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और बड़ी कठिन घाटी चढ़ के आना पड़ेगा आपको, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। एक दो किलोमीटर का रास्ता तो जैसे कि आपने देखा होगा पूरा वीडियो फिल्म, या आगे देखोगे तो ये बहुत ही नीचे है, यानी गड्ढे में है, खाई में है भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही है, आई होप कि मेरी भी आवाज़ आपको आ रही हो। और ये देखो, ये है डचेस फॉल, व्हाट अ लुक मैन। बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपन बेसिकली देखें तो बहुत गहरी खाई में आ चुके हैं। देखो ये आसपास का व्यू है डचेस फॉल के पास का, समथिंग लाइक दिस। और जैसे कि मैंने बताया, 4 से 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है पैदल। जी हाँ, आगे 2 से 3 किलोमीटर टैक्सी भी नहीं आती है भाई साहब। और भयंकर घने जंगल में, जैसे कि नागदौरी यात्रा होता है ना, ऐसा ही कुछ जंगल है भाई साहब, खतरनाक। देखो, और ये डचेस फॉल है, आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो पानी की आवाज़। बहुत ही प्यारा अमेजिंग वाटरफॉल है डचेस वाटरफॉल पचमढ़ी। आप मैं कुछ सिनेमेटिक दिखाता हूँ और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 5 बजे के पहले यहाँ से निकल जाना पड़ता है, खतरा रहता है जानवरों का, इसलिए यहाँ से अपन जल्दी निकल जाएंगे। एंड ऑफकोर्स गाइज, चेक इट आउट, लाइक शेयर। ओके गाइज, तो देखो भाई, बहुत ही ज़्यादा गड्ढा है, यहाँ से उधर नहीं जाना है आपको, यहाँ गड्ढा है। देखो इतना इतना पानी में, बहुत ही साफ पानी है, समथिंग लाइक दिस। वहाँ से आगे नहीं जाना है, गड्ढे हैं वहाँ पर, है ना।
मैं आपको शॉट दिखाने के लिए थोड़ा आगे, ये देखो, ओह माय गॉड, ये देखो। और आई होप मेरी आवाज़ आ रही हो। तो ये वाले पॉइंट के आगे नहीं जाना है आपको, यहाँ गड्ढा है, इधर यहाँ तक आ सकते हो और समथिंग लाइक दिस, इधर नहीं आना, इधर गड्ढा है, बस यहाँ तक के आ सकते हो, यहीं से देख लो। ये भाई साहब आई कांट बिलीव, देखो मैं इतना डूब चुका हूँ पानी में, इतना, ओ गाइस। तो आप निकल रहे हैं वापस डचेस फॉल से, लेकिन कई सारी बातों का ध्यान रखें, 5 बजे के पहले यहाँ से निकल जाना है आपको। कहाँ से? इस डचेस फॉल से, चाहे कितने भी लोग हो, चाहे 2 हो 4 हो, क्योंकि अंधेरा हो जाए तो रास्ता भूल जाओगे, दिखेगा नहीं। उसके बाद ये 4 किलोमीटर का जो कठिन घाटी है, ये चढ़ना पड़ेगा आपको भाई साहब, बहुत ही कठिन है ये। अब ऐसी चढ़ाई है ना भयंकर, जितना पर नीचे उतर के आए उतना ही चढ़ना पड़ेगा। और व्हाट अ लुक मैन, देखो अमेजिंग। ये है अपना डचेस वाटरफॉल, पचमढ़ी, मध्य प्रदेश, एसटीआर, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, अमेजिंग। तो आज मैंने आपको दिखाया डचेस फॉल, बहुत ही कठिन घाटी है, लेकिन ये अब मैं आगे आगे दिखाऊंगा आपको कितना चलना पड़ता है, भयंकर। ठीक है, अपनी टीम भी जो अपने साथ आई थी वो जा रहे हैं धीरे धीरे वापस, और भाव लोग तो शायद निकल गए आगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्चुअली सामान भी ज़्यादा है, सामान जैसे खाने का, पीने का, पानी। ओह माय गॉड, हल्की हल्की धूप भी निकल गई है, तो ये धूप के लिए ही रुके थे हम कि शॉट ले सके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, अब जितने गाइस अपन नीचे उतरे थे डचेस फॉल पचमढ़ी में, उतना ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बहुत ही कठिन घाटी है 2-3 किलोमीटर का। और देखो कोई नहीं है दूर दूर तक, जान निकल गई। ये भी वैसे ही है लगभग, चढ़ाई देखे अच्छा है बहुत, ये समझो एक छोटी सी कठिन घाटी है, इसके अंदर है वाटरफॉल नीचे, जैसे कि आपको मैंने सब कुछ दिखाया। ओह माय गॉड, और इस जंगल में 5 बजे से पहले यहाँ से निकल जाना है आपको, 4 किलोमीटर पैदल चलना है अभी अपने को इसी जंगल में, तब अपन कहाँ निकलेंगे, डचेस फॉल के पहले गेट तक, उसके बाद वहाँ से गाड़ी अपने को मिल जाएगी। अगर आप गाड़ी लाए हो तो गाड़ी से, या तो आपकी सफारी लाए हो सफारी से, इधर भी जानवरों का खतरा है, अकेले का बस का नहीं है।
भाई साहब हालत ख़राब हो रही है और बहुत ही कठिन है ये इतना एरिया। चलो दिखाते दिखाते अब चलता हूँ। ओके गाइस, तो हालत ख़राब, 3 किलोमीटर की ऐसी भयंकर कठिन चढ़ाई है। कहाँ पर? डचेस वाटरफॉल पचमढ़ी। इधर भी खाई है, ये जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, ये खाई है भाई साहब, ये देखो। और एक छोटा सा वाटरफॉल वो है, मतलब बारिश है ना तो यहाँ वैसे तो वो ऊपर से आ रहा है, वो देखो वाटरफॉल पानी दिख रहा होगा चमकती हुई। और ये रास्ता है ये छोटी सी, ये जैसे नागदौरी में होती है ना, ये चेक इट आउट नागदौरी के सभी पार्ट, तो आई बटन में वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है। तो ये जो 3 किलोमीटर आपकी हालत ख़राब कर देगा, तो पानी खाना खुद ही लेकर आए भाई, बैग में रख के, नमकीन फमकीन। अभी पचमढ़ी में कुछ नहीं मिलेगा, इधर कोई दुकान उकान नहीं है, इधर जंगल में पचमढ़ी जाके मिलेगा आपको। अरे वाह यार, देखो इतनी बारिश होने के बाद आज बड़ी प्यारी प्यारी धूप निकल गई है शाम को। अभी 4:30 PM हो रहा है, 4:30 शाम की बज चुके हैं। और जी हाँ, जैसे कि मैंने बताया आपको 4:30-5 बजे जंगल से निकल जाना है, नहीं तो जान खतरे में रहेगी आपकी। ये भी जानवरों का एरिया है। वाटरफॉल एक बहुत ही अमेजिंग जगह है MP टूरिज्म की। अपनी टीम भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, चढ़ाई खूब है यार। जितना अपन उतरे थे मैं क्या बताऊँ, यहाँ शब्द नहीं है यार, इतनी प्यारी STR बफर की अमेजिंग लोकेशन। बाकी पूरा टूर गाइड मैंने बता दिया आपको, कब आना है कैसे आना है। और अभी लॉकडाउन में घूमने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मास्क और सैनिटाइज लेकर आए और अपना टेम्परेचर चेक करके आए। जहाँ भी टिकट वाली लोकेशन है, थोड़ा मैं कैमरा स्विच कर लेता हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है। जो भी टिकट वाली लोकेशन है वहाँ बाइसन लॉज में आपका टेम्परेचर टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट होगा वहाँ। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर सही रहा तभी टिकट मिलेगी आपको, ये भी बात का ध्यान रखें भाई साहब। अगर आपको सर्दी खांसी बुखार फलाना ढिमका है तो ना आए, नहीं तो यहाँ जाने नहीं देगी, ये आपको मैं बता रहा हूँ। मान लो आपको सर्दी खांसी भी है तो आई ना, क्योंकि वो जो टेम्परेचर मशीन है ना वो डिटेक्ट कर लेती है कि आपको बुखार है। तो ऑफकोर्स खास से आपने गलती से खास दिया तो भी गड़बड़ हो सकती है, यानी जांच हो रही है। घूम सकते चिल मार सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी की बात बता रहा हूँ कोविड में। और भगवान ना करे कि ऐसा कहीं सुनने को मिलेगी कोरोना। लेकिन पचमढ़ी में भी 3-4 केस आ चुके हैं। अब पिपरिया तो पूछो मत भाई, वहाँ भी बहुत है अब। लेकिन हाँ, रिकवरी भी हो रही है। कल जैसे कि साहब की मीटिंग हुई थी कलेक्टर सर की, उसमें बताया जैसे कि तो रिकवर हो रहे हैं। न्यूज़ मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो मीडिया वाले, तो देखो इतने पाए गए आज 100 लोग कोरोना पॉजिटिव, ऐसा मतलब भड़ास छापते हैं ये लोग। अब मैं कल डेली मेरे ऑफिस से एक प्रेस रिलीज डेली होता है रिलीज कि क्या आपको छापना है। तुम ये नहीं छापते भाई, रिकवर भी तो हो रहे हैं। और होशंगाबाद में सबसे अच्छा रेट है रिकवरी का, मतलब कि कोरोना के केस आ रहे पॉजिटिव, 100 टेस्ट कर रहे हैं। मतलब कि कल परसों की बात है, आई थिंक 200-250 टेस्ट हुए थे, उसमें से 9-10 लोग कोविड निकले थे, बाकी सब नेगेटिव था। तो ये भी बात का गाइस ध्यान रखना है। बट हाँ, साफ है भैया साफ, ये तो महादेव की नगरी है। ओके गाइस, तो डचेस फॉल का देखो ऐसी चढ़ाई है, कठिन चढ़ाई भाई साहब। तो मेरे साथ कई लोग बोलते हैं, सब्सक्राइबर भाई लोग आप लोग, कि सर हमारे को साथ में ले चलो शूट की लोकेशन पर। अब मेरी लोकेशन ऐसी होती है, ऐसी जंगल पहाड़ नदी नाले खतरनाक साली, जो कि जान को खतरे में डाल के जाना पड़ता है। मतलब कि
ये लग रहा सेफ थोड़ी है यार, और बारिश में आ सकते कहना। लेकिन आज भी अपनी कुछ भाई लोग और कुछ मैडम लोग को लाए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शॉट दिए। आई होप आपने देखा होगा, देखो व्हाट अ लुक ना। कैमरा की हालत हो गई है ख़राब। आज ये मेरा गोप्रो का हीरो बहुत तंग कर रहा है, पानी वानी पूरा पानी में ही शूट किया आज ऐसा समझो। अब धूप निकल चुकी है, चलो बढ़ते हैं आगे। चेक इट आउट।